अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं तुहाडा अपना शहबाज रसूल। मैं ना एक फेसबुक से एक दोस्त की पोस्ट देख रहा सा, वो कह रहा है कि मेरे को 30 लाख रुपये है, मैं डेयरी सैक्टर के इन्वेस्टमेंट करना चाहना, तो मैं क्या करना चाहिए। और हर बंदे ने अपनी राय कमेंट की, अपनी राय का इजहार किया। वो राह की सन मैं तुहाडे सामने रखना और एंड दे कंक्लूशन भी मैं जरा पेश करांगा। कोई बंदा कहता है कि यार इस काम से फायदा कोई नहीं, कोई कहता है कि यार बंदा बन क्यों अपना नुकसान करना ही, कोई कहता नुकसान ही नुकसान है, कोई कहता सोची भी ना, कोई कहता क्यों अपनी जिंदगी तू जरा ना दोजख बना लगे इस काम के आके, कोई कहता वो बाऊ न्यू रहना, वो चौधरी न्यू रहना, कोई कहता ये कोई छुट्टी नहीं होनी, तो कोई कहता खुदा वास्ते इस काम के ना आवी, कोई कहता अपने हाल से रहम कर, कोई कहता वो दुनिया वास्ते नहीं रवेगा, दुनिया के कमां तू जांदा रवेगा। ए वो सारे कमेंट्स न जिहड़े नैगेटिव सन, और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स उन्होंने की सी कि यार जबरदस्त काम है यार, तू जर्सी फ्रीजियन की गां लाया यार, तू ना व्यापारी बन जा, तू वछियां रख लै, कोई कहता तू कटियां रख लै, कोई कहता तू झोटियां रख लै, कोई कहता यार दुध आला काम कर, बड़ा फायदा ये। लेकिन हर बंदे की एक अपनी अपनी राय वे। सब तो पहला तुहां की सोचना, जिहड़े लोग इस शुभ दे विच आना चाह रहे ने, परफॉर्म करना चाह रहे ने, कभी भी फेसबुक नू बुनियाद नहीं बनानी, कभी भी सोशल मीडिया नू बुनियाद नहीं बनाना। सोशल मीडिया तो तुसीं हेल्प तो लै सकते हो, नॉलेज गेन कर सकते हो, अपना माइंड की कलैरिटी कर सकते हो, लेकिन सोशल मीडिया नू बेस बना के तुसीं इस शुभ दे विच इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर सोशल मीडिया नू तुसी इन्वेस्टमेंट बेस बना के इन्वेस्टमेंट की, तो वक्त दे नाल नाल तुसी नुकसान दा सामना करोगे। क्यों कुछ लोग ने यूट्यूब पर देखते ने 1 लाख लाओ जनाब, तो महीने बाद 1 लाख कमाओ, इंज करो तो इंज करो, कोई कहना मैं 10 जानवर लेंदे आज मेरा 100 जानवर है। वो यार वो जिदा इंटरव्यू करन जा रहा है यूट्यूबर अपने सबसक्राइबर वास्ते, उस फार्मर की भी तो हालत वेखो ना, और यह भी वेखो कि उहदे ते गुजरदी की है पई, और यह भी तुसी तको दूसरे एंगल नाल कि मैं जिस भी डेरे ते चला जाऊंगा मैं कदी नहीं आखांगा कि इस काम दे विचों मैनू इन्ना नुकसान हुंदा है, क्यों कि वो तो ऑनलाइन जानी है, हर बंदे ने देखनी है, और लोगों कहने कि यार चंगा बंदा कि भाई इहनू लॉस भी हुंदा ते इस काम नू छड़दा नहीं। कभी भी असा सोशल मीडिया नू अपने काम वास्ते बेस नहीं बनाना। करना की चाहिए सानू किसी प्रॉपर तजर्बाकार बंदे दे नाल कंसल्ट करना चाहिए, ऐसा फार्मर जिहड़ा सानू राय देंदा है उहदा सैटअप देखना चाहिए, उहदी सारी इनपुट आउटपुट दे मामलात, उहदा कैश फ्लो, उहदा तरीकेकार, उहदे जानवर, हर चीज़ नू सानू बारीक बीनी दे नाल देखना पैना है। और इस काम दे विच अगर तजर्बा नहीं हैगा तो सानू तजर्बा गेन करना पैना है, सानू किसी नू उस्ताद मनना पैना है। हर बंदा हर काम वास्ते नहीं बनया, सानू किसी की शागिर्दी अख्तियार करनी पैनी है, सानू किसी की कंसल्टेंसी लैनी पैनी है, सानू सब तो पहला अपनी शख्सियत नू वेखना पैना है कि आया यार ये काम मैनू सूट करेगा, सानू साडी बैकग्राउंड ते नज़र मारनी पैनी है कि आया साडी बैकग्राउंड दे विच किसे काम कीता सी, साडे जीन्स दे विच शौक पाया जा रहा कि नहीं पाया जा रहा, साडे कोल ज़री रकबा है कि नहीं है, अगर है तो उहदा प्रॉपर असी इस्तेमाल किस तरह कर सकने आ, साडा वक्त दे नाल नाल शौक क्रिएट हो जाएगा कि नहीं होवेगा, मार्केट दे विच जिहड़ा साडा इलाका है उहदे विच दुध दा रेट की है, अगर गोश्त दा रेट की है, क्या मैं इस टाइम नू फुल टाइम दे सकना कि पार्ट टाइम दे सकना, क्या मेरे कोल किधरों होर साइड तो इनकम आउंदी है कि नहीं आउंदी, ऐ उह सारियां चीज़ां ने जिन्हां दा सानू ख्याल रखना पैना है, सानू प्रॉपर जिहड़ा ने कंकलूजन कढ़ना पैना है, सानू किसे प्रोफेशनल दे नाल कंसल्ट करना पैना है, फिर एक राय जिहड़ी उह मैनेज करके ते शोभे दे विच सानू अपनी एंट्री देनी पैनी है। और सियाणे कहिंदे ने कि कोई काम करन तों पहलां तुसीं 1000 बार सोच लो, लेकिन जिस टाइम तुसीं फिर काम करो ना फिर काम करो। इस वास्ते वो लोग जिहड़े शोभे दे विच आउणा चाह रहे ने, काम स्टार्ट करन तों पहलां 1000 बार सोचो,
जो हज़ार बार तुह सोच लिया काम स्टार्ट कर लिया तो फिर अपनी जिंदगी का मिशन बना लो और दुनिया की कोई ताकत भी तुहाड़ा फिर रस्ता नहीं रोक सकती। दुआवां च याद रखिया जे अल्लाह ताला तुहाड़ा ते मेरा हामी नासर होवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।